नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है माई गैजेट एक्सपीरियंस में। दोस्तों, हम सभी अपनी जरूरत के अनुसार एवं विभिन्न कार्यों के लिए दूरी नापते हैं या डिस्टेंस मेजर करते हैं। इसके लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करते हैं। इसके बाद जरूरत हो तो कैलकुलेशन भी करते हैं। आपके इसी काम को और आसान बनाने के लिए मेरे पास है ये लेजर डिस्टेंस मीटर। यह डीटेप कंपनी का D3 मॉडल है, जिसे मैंने 1800 रुपए के लगभग में खरीदा है। इसके साथ हाथ में लटकाने वाला धागा, क्लिप, पाउच और मैनुअल भी मिलता है। यह 40 मीटर तक मेजर कर सकता है। इसके अलावा 60 मीटर, 80 मीटर और 100 मीटर के वेरिएंट में भी उपलब्ध है। इसके बारे में निम्न बिंदुओं को कवर करेंगे। सबसे पहले इसके फीचर्स या स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसमें लेजर का यूज किया जाता है। यह डिवाइस एक बार में 2 mm एक्यूरेसी के साथ 40 मीटर तक नाप सकता है। इसमें मेजरिंग यूनिट्स को मीटर, फीट या इंच में चेंज कर सकते हैं। एरिया और वॉल्यूम को भी नापा जा सकता है। इसमें पाइथागोरियन थ्योरम के अनुप्रयोग के कारण दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट का हाइट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यह डिवाइस पिछले 20 रीडिंग का रिकॉर्ड भी रखता है। मल्टीपल इंफॉर्मेशन और स्टेटस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए इसमें बड़ा सा डिस्प्ले भी है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए इसमें 2 स्पिरिट लेवल भी हैं। अब देखते हैं यह फिजिकली कैसा है। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अच्छे ग्रिप के लिए इसके साइड में रबड़ लगी है। सामने बड़ी स्क्रीन है, नीचे बहुत सारे बटन हैं। इसमें 2 स्पिरिट लेवल भी दिखाई दे रहा है। आगे तरफ देखते हैं, यहाँ से लेजर बीम निकलता है तथा इसके साइड में लगे सेटअप से रिफ्लेक्टेड लेजर बीम को डिटेक्ट करता है। पीछे बैटरी कंपार्टमेंट है। यहाँ पर यह जगह दिया है जहाँ पे क्लिप को लगाते हैं तथा इसी क्लिप को निकालने के लिए नीचे पुश बटन है। अब देखते हैं इसमें जितने भी बटन हैं उनका क्या क्या यूज़ है। इसमें ये सभी बटन्स हैं जिनका स्पेसिफिक यूज़ होता है। जैसे यह बटन ऑन ऑफ के लिए, यह बटन डिस्टेंस नापने के लिए, एरिया, वॉल्यूम तथा किसी ऑब्जेक्ट का हाइट नापना हो तो विभिन्न मोड में स्विच करने के लिए यह बटन। इस बटन का यूज़ पिछला रीडिंग देखने के लिए किया जाता है। इस बटन का यूज़ पिछले रीडिंग को क्लियर करने के लिए, पिछले रीडिंग से जोड़ने या घटाने के लिए यह दोनों बटन। यह बटन बीप की आवाज़ आती है उसको म्यूट करने के लिए। जब मेजर करना हो तो डिवाइस के फ्रंट या रियर मेजरिंग पॉइंट को डिसाइड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अर्थात अगर रेफरेंस पॉइंट रियर रहे तो पूरे डिवाइस का लेंथ भी उस रीडिंग में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा यूनिट चेंज करने के लिए यह बटन है। इसके द्वारा मीटर, फीट या इंच में आप रीडिंग को चेंज कर सकते हैं या सीधे सीधे इन्हीं यूनिट्स में आप रीडिंग भी ले सकते हैं। कैसे डिस्टेंस मेजर करें या कैसे दूरी नापें। सबसे पहले 2 AAA बैटरी को लगाएं। इसके बाद ऑन ऑफ बटन को लॉन्ग प्रेस कर डिवाइस को ऑन करें। अब जिस ऑब्जेक्ट की या टारगेट की दूरी नापनी हो वहां पर इस मेजरिंग बटन को दबाकर लेजर बीम से निशाना लगाएं। एक बार और बटन को दबाने पर आपको वह दूरी डिस्प्ले पर दिखाई देगा। इस प्रकार इस मेजरिंग बटन को 2 बार दबाकर दूरी नापते हैं। एरिया नापने के लिए इस बटन को दबाएं, रेक्टेंगुलर सिंबल दिखाई देगा। फिर मेजरिंग बटन से उस जगह की दोनों साइड का रीडिंग लेने पर एरिया कैलकुलेट हो जाता है और डिस्प्ले में दिखाई देता है। वॉल्यूम के लिए इसी बटन को 2 बार दबाएं और मेजरिंग बटन से 3 रीडिंग लेने पर वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है और डिस्प्ले में दिखाई देता है। इसी प्रकार दूर स्थित किसी ऑब्जेक्ट का हाइट जानना हो तो इस बटन को 3 बार दबाएं और फिर पाइथागोरियन थ्योरम के अनुसार 2 रीडिंग लेकर हाइट नाप सकते हैं। जरूरी निर्देश, चूंकि इस डिवाइस में लेजर बीम का यूज होता है इसलिए लेजर बीम को डायरेक्ट न देखें, साथ ही बच्चों के पहुंच से दूर रखें। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट का ध्यान रखें, अर्थात स्पिरिट लेवल को भी देखते रहें। लेजर बीम बहुत ज्यादा पावर खींचता है, अतः जब भी मेजरमेंट करना हो तभी ऑन रखें ताकि बैटरी ज्यादा दिन तक चल सके। यदि कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस न हो तो क्लिप का यूज कर सकते हैं। कोशिश करें कि रीडिंग करना हो तो बाहर तेज रोशनी न हो और एक्यूरेट रीडिंग करना हो तो यह मीटर स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा इसे दिए गए पाउच में रखें। यह कितना यूजफुल है, समय की बचत और नापने को आसान बनाने के लिए खरीदा जा सकता है। हालांकि साधारण टेप या स्केल से नापना भी बहुत आसान है, इसलिए यह उनके लिए अच्छा है
जिनको अक्सर मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। यदि आपको गैजेट का शौक है या आप खरीदना चाहें तब भी खरीद सकते हैं, लेकिन कभी कभार यूज करना हो तो 2000 रुपए तक खर्च करना उचित नहीं होगा। इससे कम प्राइस में भी दूसरी कंपनी का लेजर मीटर भी खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।